हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन तक अपनों ने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 4i-2j+k, यानी इस वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन निकालना है किस वेक्टर पर, 3i+6j-2k, यानी इस ए वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर पर, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है क्या होता है, अगर किसी वेक्टर का किसी अनदर वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालते हैं तो ऊपर तो हमेशा आता है ए डॉट बी, क्या आता है ए डॉट बी, नीचे जिस पर अपने प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका आता है मैग्नीट्यूड, क्या आता है मैग्नीट्यूड। तो देखो मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4i-3i, यानी 4 3 12 -2j+6j, 2 6 -12, और k कैप का कोफिशेंट 1 और इधर k कैप का कोफिशेंट -2, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन आएगा b का मैग्नीट्यूड, यानी 3i के कोफिशेंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, j कैप के कोफिशेंट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, और k कैप के कोफिशेंट का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 4 3 12, -12 -2, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया और नीचे बन गया 49, तो ये आ जाएगा 7, तो आ गया -2/7, इसलिए इसको लिख देंगे +2/7, बिकॉज प्रोजेक्शन कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस होती है ये, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर अपने को गिवन है 2i-16j+5k एंड बी वेक्टर इज गिवन 3i+j+2k, देन ए वेक्टर अपने को फाइंड करना है सी वेक्टर, जिसमें ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपने पहले ये देखेंगे क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है या नहीं है। तो देखो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो आता है, इट मीन वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होएंगी साइड होएंगी, क्या होएंगी साइड होएंगी। तो पहले ए डॉट बी निकालते हैं अपने, देखो ए डॉट बी निकाला, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या है, ए की वैल्यू तो है क्या ये, एंड बी की वैल्यू ये है, तो 2i-3i, तो 2 3 6 और -16 +1, तो -16 +5 +2, तो 5 2 आ गया 10, ठीक है। तो ये 6 -16 +10 हो गया 6, और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0, इट मीन ए डॉट बी 0 आ रहा है, इट मीन ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, क्या हैं ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अब देखो अपने को एक तीसरा वेक्टर निकालना है जो इसकी साइड के अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अगर ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है, तो ये क्या होएगा ए प्लस बी होएगा ट्रायंगल रूल से, तो बस वेक्टर निकाल दीजिए सी वेक्टर, इसको लिखेंगे अब इन दोनों का प्लस कर दीजिए, जो ए और बी दे रखे हैं 2i+3j कितना हो गया 5i, -16j+j -15j+5k+2k कितना हो जाएगा 7k, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो प्रूफ करके दिखाओ a और b क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर के लिए अपने को प्रूफ क्या करके दिखाना पड़ेगा, a डॉट b इजिकल टू जीरो लाना है अपने को, क्या लाना है a डॉट b इजिकल टू जीरो। तो देखो अपने क्या करेंगे, जब भी मैग्नीट्यूड आए दोनों तरफ स्क्वेयर करते हैं ताकि ईजी हो जाए। अब देखो किन्हीं दो का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या उनके स्क्वेयर का मैग्नीट्यूड भी क्या होएगा इक्वल होएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर भी क्या आएगा इक्वल। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था प्रूफ में, ए के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर उसके वेक्टर प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये बताया था आपको, ठीक है।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो ए डॉट ए के इक्वल होता है। तो देखो बस वही करने जा रहे हैं, ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और ए माइनस बी के मोड का स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो ए को ए से किया तो ए डॉट ए, ए को बी से किया ए डॉट बी, बी को ए से किया बी डॉट ए, बी को बी से किया बी डॉट बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इक्वल में ए को ए से किया ए डॉट ए को बी से किया ए डॉट बी, बी को ए से किया ए डॉट बी, ए की बात है बी डॉट ए, और बी को बी से किया बी डॉट बी। अब देखो ए डॉट ए मैंने अभी बताया था ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए की बात है तो ये हो जाएगा टू ए डॉट बी, और बी डॉट बी क्या हो जाएगा बी डॉट बी का स्क्वायर, बी के मोड का स्क्वायर। सिमिलरली आर एच एस वाली साइड भी यही करेंगे, ए के मोड का स्क्वायर ए बी और ए बी क्या हो जाएंगे टू ए बी, और ये बन जाएगा बी के मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो सेम आ रहे हैं वो तो हो जाएंगे कट, ए के मोड के स्क्वायर से ए का मोड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी के मोड के स्क्वायर से बी का मोड का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का टू ए बी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो टू ए बी और टू ए बी कितने हो गए फोर ए डॉट बी, और फोर ए डॉट बी अगर जीरो है तो ए डॉट बी भी क्या होगा जीरो, फोर चला जाएगा डिवाइड में। अगर ए डॉट बी जीरो है तो आपको मैंने बताया हुआ है ए परपेंडिकुलर किस पे होता है बी पर, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, दोनों तरफ ए के मोड दे रखा है, उसका दोनों तरफ स्क्वेयर कर लेंगे और फिर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या दे रखा है, अपने को वर्टिक्स दिए हुए हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी डी, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए बी सी डी के, देन अपने को प्रूफ करके दिखाना है ए बी और सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है, तो देखो कैसे करेंगे, पहले अपने ए दे रखा है तो ए का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, ए का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, थ्री टू आई फोर है तो थ्री आई कैफ टू जे कैफ फोर के कैफ, ठीक है ये ब्रैकेट है ओनली, तो पहले ए का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब निकाल रहे हैं बी का ओ बी वैक्टर, ठीक है तो बी पॉइंट दे रखा है तो ओ बी वैक्टर आ गया, सी पॉइंट दे रखा है तो ओ सी वैक्टर आ गया, और डी पॉइंट दे रखा है तो क्या आ जाएगा ओ डी वैक्टर। अब देखो अपने को प्रूफ करके दिखाना है ए बी और सी डी वैक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्या है ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ए बी डॉट सी डी क्या होना चाहिए जीरो। तो पहले आप निकाल लीजिए ए बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन वही ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी वैक्टर में से ए वैक्टर माइनस कर दीजिए, तो 4i में से 3i गया आई कैप, 5j में से 2j गया 3j कैप, माइनस k कैप माइनस 4k कैप, तो ये आ जाएगा माइनस का 5k कैप, ये आ गया ab वेक्टर। अब निकालेंगे cd वेक्टर, तो cd वेक्टर में आपको क्या करना है, d में से c माइनस करना है, 2i प्लस j में से माइनस करना है 6i प्लस 3j प्लस 2k, तो 2i में से i गया क्या बचेगा, 2i में से 6i गया 4i कैप, और j में से 3j गया माइनस 2j कैप, और ये माइनस का 2k कैप। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं, देखो ab डॉट cd, अगर इनका प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो ab और cd क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो देखो i कैप डॉट माइनस 4i कैप तो यह जगह माइनस 4, 3j कैप डॉट 2j कैप तो यह जगह माइनस 6, 5k कैप माइनस 2k कैप तो यह जगह प्लस 10, तो ये देखो 10 बन रहा है, तो 10 से 10 कैंसिल होके हो जाएगा जीरो, तो AB परपेंडिकुलर किस पे आ जाएगा CD पे। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर एनी वेक्टर ऑफ A प्रूव दैट A वेक्टर किसके इक्वल है A डॉट I I कैप, A डॉट J J कैप, A डॉट K K कैप।
यानी ए वेक्टर की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 3 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। ए वेक्टर अपनों ने लेट कर लिया, लेट ए वेक्टर है क्या, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, ये अपनों ने क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो ए डॉट आई निकालते हैं पहले, तो ए को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ए की वैल्यू अपने लेट की थी, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई डॉट आई आपको पता है 1 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया A1, क्या आ गया A1। और J को आई से करोगे तो ये 0, K को आई से करोगे तो ये 0। अब A डॉट आई अपने पास आ गया A1, और उसके साथ लगा दो I, तो ये बन जाएगा A1 आई कैप, ये बन जाएगा क्या, A1 आई कैप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, A को करना है J से मल्टीप्लाई, तो A डॉट J, तो A को कर दो J से, तो ये आ जाएगा A2, और साथ में J और लगाओगे तो A2J। सिमिलरली आगे आ जाएगा A3 K कैप। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि इक्वेशन में दे रखा है आपको, तो ऐड करने के बाद ये बन जाएगा A कैप A वेक्टर, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस A जो लेट किया है उसको अपने वैल्यू में पुट कर देंगे, तो अपने LHS इजिकल टू RHS आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी। यूजिंग द वेक्टर मेथड प्रूव दैट सम ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट साइड, यानी डायगोनल के स्क्वायर का जो सम होता है वो साइड के स्क्वायर के सम होता है। तो देखो अपने पहले पैरेललोग्राम लेते हैं, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये भी क्या होएगा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर लिया तो ये भी क्या हो जाएगा बी वेक्टर। अब इसके निकाल लीजिए डायगोनल, तो पहले निकाल लेंगे AC, AC क्या होएगा AB प्लस BC, तो ये तो आ गया AC, ठीक है। अब निकाल रहे हैं BD, ये तो AB प्लस BD किसके इक्वल होएगा AD के, AB प्लस BD किसके इक्वल हो गया AD के, तो BD की वैल्यू आ गई AD माइनस AB, तो ये पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो डायगोनल का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए, देखो ए प्लस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी ए का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB, ये भी बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2AB, ये इसे कर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ये ए क्या था AB, बी क्या था BC, ए क्या था DC, बी क्या था AD, तो इट मीन डायगोनल का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, उनके साइड के स्क्वायर के सम के, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अपने करेंगे नेक्स्ट, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या है 13.3 का बेसिक करेंगे, और इस वीडियो में जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आप एक क्वेश्चन बताइएगा लास्ट में, आप मुझे बताइएगा बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होता है, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये भी आप मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पिछली बार काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया था, ठीक है, थैंक यू।